अमित, मोहित, नेहल, सोनल, सब रेडी है? हाँ, रेडी। ग्रेट। तो भाई लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जैसे ही हमारी किचन स्टार महक वहां सामने से अंदर आएगी, मैं आप लोगों को इशारा करूंगा और आप दोनों ढोल बजाना शुरू कर दोगे, राइट? रवि, ज्यादा नॉइस पोल्यूशन मचाने की जरूरत नहीं है। अरे वो ऑडिशन क्लियर करके आ रही है, कुछ ट्रॉफी जीत के नहीं आ रही। पिताजी, वो चाहे ट्रॉफी जीते या ना जीते, लेकिन ये सच है कि हमारे पूरे खानदान में महक पहली शख्स है जो कि टीवी पे आएगी। पिताजी जरा सोचो, जैसे ही हमें सड़क के ऊपर वो न्यूज चैनल वालों का कैमरा नजर आता है तो हम सब उसके अंदर ऐसे शक्ल बना के देखने लगते हैं कि हमारी फोटो आ जाएगी टीवी में। लेकिन यहाँ तो महक के आगे पीछे कैमरे ही कैमरे लगे होंगे। प्लानिंग करता रहा, हमारी महक आ भी गई। मानसी, महक से ज्यादा हालत तो मेरी खराब थी अंदर से, और उसके ऊपर से बड़ी दादी बार 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 फोन किए जा रही। अरे क्यों ना करती मैं फोन पे फोन, मेरा लड्डू इतनी बड़ी जीत हासिल करने जा रहा था। अच्छा वो छोड़ो, इंसाफ की बात करो, हर दो दो मिनट में आके पूछ रहे कांता में दुकान चला जाओ, कांता में दुकान चला जाओ। यार धंधे का टाइम हो रहा था, आप भी पता नहीं क्या बात कर रहे। धंधा इम्पोर्टेंट है या बच्ची का कॉम्पिटिशन? एनीवे दी, अभी तो बस शुरुआत है, ऐसे ही ना हर राउंड में चौके छक्के मारना, मजा आ जाएगा। नहीं मोहित, प्रेशर मत डालो। यार प्रेशर का नाम मत ले दी। ये रिजोटो नहीं है, राइस बॉल्स, जिसे तुम चावल के पकोड़े बुला रही है। सो यू डिस्क्वालिफाइड। आपको पानी पीने के लिए यहां तक चल के आना पड़ा। अमित, इस घर के सारे नौकर किधर हैं? पिकनिक पे गए? नहीं जी, वैसे इस उम्र में ना थोड़ा बहुत चलना फिरना भी चाहिए, नहीं तो तेरी नैंस की हड्डियां जाम हो जाएंगी। अच्छा तू बता बेटा, तू कैसे आया? पानी चाहिए था? मैं खुद ले लेता हूँ, इट्स ओके। नहीं चाहिए जी, नहीं गा दे, चलो सोशो गा दे, गा दो, अब तो गा दो, अब तो गा दो। नहीं गा चाहिए जी, तुसी कह रहे हो तो मैं गा देता हूँ। हाँ भाई, अब बताओ किस पे गाना है? या 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 से, या से चाहिए जी, गाओ। हाँ गाओ ना। याहू टननन टननन टननन, याहू टननन टननन, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जुबान पर। अच्छा सबको मालूम है, सबको खबर हो तो क्या, आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जुबान पर। सबको मालूम है और सब। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। महक बेटा तू कितनी बड़ी कुक क्यों ना हो जाए, तेरे खाने पे पहला हक मेरा है। किसी भी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग फिक्स करने को। मालूम है नहीं कहा था, लेकिन फिक्र है तुम्हारी, इसलिए मीटिंग फिक्स की थी। 10 इन्वेस्टरों से बात करता हूँ कि तुम्हारे नए रेस्टोरेंट में पैसा लगाए, इन्वेस्ट करें। फिक्र है तुम्हारी। अरे इतनी फिक्र मत कीजिए मेरी, कहीं डायबिटीज ना हो जाए मुझे। मैं तो सिर्फ 12 घंटे लेट हूं, आप तो फिक्र करने में 12 साल लेट हो गए। और कुछ सुनना चाहेंगे या आज का कोटा पूरा हो गया? डैड सही नाम दिया है तुझे। हर रोज की शुरुआत कड़वे करेले के जूस से कराता है। दया नहीं आती तुझे, कभी तो अपनी नैंस को लस्सी वस्सी पिला दे। नहीं आती दे। मेरी पोछ देख रही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी सब कुछ बॉर्डरलाइन पे। ये लैब वाले तो सब फ्रॉड हैं। आई एम हेल एंड सेक्सी। या राइट। चलो मुझे मेरी मिठाई दो। अच्छा बच्चू, मेरा मीठा बंद करवा के खुद को शक्कर चाहिए? अच्छा बता कौन सी वाली दूं, गीली वाली या सूखी वाली? नानी जो भी देना दो, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्यों कहीं कोई डेट वेट पर जाना है क्या? डेट नहीं नानी, सुपर डेट। आज इंडिया सुपर कुक के शूट का पहला दिन है। ओह नानी, आई एम गेटिंग वेरी लेट, सो जस्ट गिव मी अ किस। ओके ओके ओके। दाढ़ी चुभती है तेरी, शेफ बनाया करना। आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके श्योर, दवाई टाइम पे खाना। बिल्कुल, बाय बाय। नानी, किचन और डाइनिंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज लाइव आता है मेरे फोन पे। I'm really sorry, बस एक चांस। सर I'm sorry, मैं नर्वस हो जाती हूँ, मुझे फोबिया है। सर प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए। I'll do anything sir, मैं कुछ भी करूंगी सर। ऑफ कोर्स कुछ भी करोगी तुम, वो तो दिख ही रहा है।